बहू, ओ बहू, क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ जी, झाड़ू निकाल रही हूँ। अरे बहू, आज तू फटाफट काम निपटा ले। दिन में हम लोगों को अपने खेत पर सोयाबीन की निंदाई करने चलना है। अरे माँ जी, अपने पड़ोसियों ने तो उनके खेत में सोयाबीन में से चारा मरने वाली दवाई का छिड़काव किया है। आप भी अपने बेटे को बोलकर अपने खेत में भी चारा मरने वाली दवाई का छिड़काव देख बहू, वो दवाई सिर्फ खेत खराब करने के काम की है। उससे नाली मोतिंगा और बोकना तो मरता ही नहीं है। बस 8-15 दिन के लिए रुक जाएगा, उसके बाद फिर से चलने लगेगा। तो अब क्या करना पड़ेगा माँ जी, आप ही बताइए। अब करना क्या है, तुम फटाफट काम निपटा लो और दिन में खेत पर चल के उसे उखाड़ कर किसी गहरी खाई में फेंकेंगे, तब जाकर बीज हमेशा के लिए मिटेगा। लेकिन माँ जी, मेरे लिए तो एक गांठ भर जाए जितना बिना धुले हुए कपड़े पड़े हैं, मैं उनको धोऊंगी, इसलिए आप अकेली चली जाओ। अरे करमजली, तू कल पूरा दिन घर थी ना, तूने घर रहकर क्या किया है? देखो माँ जी, मैं कल घर पर कुछ न कुछ काम काज ही कर रही थी, कोई देखी नहीं थी जो आप मुझ पर भड़क रही हो। देख, तू ज्यादा सफाई मत दे, मैं सब कुछ जानती हूँ डायन। तूने कल घर रहकर सिर्फ मोबाइल ही चलाया है, काम करते हुए तो तेरे हाथों से कोड़ निकल आती है। अरे माँ जी, आप बिना सोचे समझे जो मन में आए वो मत बोलिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे माधुरी, तुम्हारे अंदर कुछ इंसानियत है या नहीं? तुम्हें मेरी बूढ़ी माँ से इस तरह बात करते हुए शर्म नहीं आती? और आपकी माँ बात बात में मुझे कुछ भी बोल देती है, वो आपको सुनाई नहीं देता क्या? अरे बेटा, तू इससे प्यार से बात क्यों कर रहा है? नो, ये ले हंटर और मार इसे।